हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल मेंबर रिक्वेस्ट्स। इफ यू आर अ मेंबर यू गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेजेस, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पेट्रियन सब्सक्राइबर हैं तो आपको और ज्यादा प्यार मिलता है मुझसे, क्योंकि पेट्रियन सब्सक्राइबर्स की मैं बहुत बहुत मेरे दिल में एक बहुत जगह है। मेंबर्स तो ऑलरेडी दिल वाले हैं और लव वाले हैं, तो उनको तो पता है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बीरबल एंड कम्फर्ट जोन, स्टैंड अप कॉमेडी बाय केतन। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस वन। हमें तो अपनों ने खाया, गैरों में कहाँ दम था। मैं डाइजेस्ट होके जहां से निकला वो मेरे चाचा का बम था। लड़के लड़के क्या बात कर दी लड़के। अब चाचा जो लिया है ना, आय हाय हाय, रिच अंकल्स आर यूजुअली यू नो हाउ, बहुत आला तुमने बताया नहीं भाई। देख लो कहीं कहीं स्ट्रांग लैंग्वेज है, फिर ये नहीं बोलना, फिर नहीं बोलना मेरे को। हर इंसान यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे को आई एम श्योर कि हर इंसान के ग्रुप में ना एक ना दो ऐसे लोग होंगे जिनसे तुम कभी भी बात करते रहो, तो हर सेंटेंस जो उसके मुंह से निकल रहा है उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि पॉइंट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है ये। और फिर आधा घंटा बीत जाता है और वो अभी भी बोल रहा है, और वो बोलते भी हल्के हैं बहुत, अभी भी नहीं पता क्या चल रहा है, आराम आराम से बात कर। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था ना वो किसी इंसान के साथ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ा करता था, और 10-12 कहानी पढ़ने के बाद मेरे को बस एक बात रियलाइज हुई कि बीरबल साला कभी पॉइंट पे नहीं आता था यार। कभी yeah. भी अकबर पूछ रहा है बीरबल कहाँ है, वन ऑफ द दरबारी लाइक वो मटका लेने गए। मटका लेने गए, फिर बीरबल मटका लेके आता है, ठीक है, अब दिन रात मेहनत करके उसके अंदर तरबूज उगाता है और फिर उसको अकबर के पास लेके जाता है। मुझे क्यों हंसी आ रही है अभी से। बीरबल इज लाइक जहाँ पर ना इसका पॉइंट ये है कि 6 महीने पहले जो दरबार में गरीब आदमी आया था ना, उसको आपको पैसा दे देना चाहिए। बादशाह इज लाइक व्हाट, नीचे सबटाइटल्स में अलग बचौली चल रही है। ब्रो तो ये मेरे को डायरेक्टली बता सकता था, वो गरीब आदमी मर गया, देखो इसी चीज के लिए हायर किया है ब्रो, अपने बीच में ट्रस्ट इश्यू नहीं है। अभी तेरा सजेशन समझने के लिए एक और आदमी हायर करते हैं। और व्हाट द फक कोई भी चीज चल रहा है, अकबर कह रहा है कि यहाँ खेत सूख गया, बारिश नहीं हो रहा, बीरबल क्या करना चाहिए, बीरबल जाके पेट पे उल्टा लटक गया, वहीं से चिल्ला रहा है गैस मारो जहाँ पर ना मिलेगा सोल्यूशन। जोधा अकबर देखिए आप लोग, फिल्म में एक सीन है जहाँ पे ना अकबर बहुत खुश है और बीरबल को सामने लेके आता है एंड इसकी मांगो तुमको क्या मांगना है। मेरे को ऐसा लगता है कि उस दिन बीरबल की मौत हो गई होगी, क्यों पता है, हियर्स हाउ द सीन गोस, कि अकबर इज लाइक मांगो तुमको क्या मांगना है एंड बीरबल डिड दिस, मुझे पीठ पे 100 कोड़े चाहिए महाराज। ओबे मुझे याद पड़ रहा है ऐसा कुछ, बीरबल का अलग ही फेटिश है कुछ, पॉइंट पे नहीं आता है। बीरबल इन दरबारियों के चेहरे देखो, नोबडी इज लाइक ये बीरबल ने क्या कह दिया, एवरीबॉडी इज हां अभी 2 घंटे बाद समझ में आएगा। अभी रुको, इसका कोई पॉइंट है ये बाद में बताएगा आगे। वाला व्हाट अ गुड, मोहम्मद का आइसक्रीम खा के आए थोड़ा सा। चले मोहम्मद का आइसक्रीम खा के, इसको 200 कौड़े मारो साले को, नहीं पॉइंट पर पॉइंट चाहिए, इसकी लाश चाहिए मेरे को अभी यहां पे, दैट्स हाउ ही वुड हैव डाइड। ब्रो व्हाट अ यूनिक जोक। कंफर्ट जोन के बारे में सुना तुम लोगों ने, कंफर्ट जोन, पीपल से कि यू नो इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल यू नीड टू ब्रेक द कंफर्ट जोन, डर के आगे जीत है, डर के पीछे क्या है, कंफर्ट जोन जहां आदमी लेटा है आराम से, क्यों डिस्टर्ब कर रहे बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ ह्यूमंस को प्रिविलेज है कंफर्ट जोन का, जानवरों में कौन किसको कब खा जाए कोई भरोसा। जो बात है ब्रो, एक बैठ के चिल मारा भी खा गया, वो टू डू लिस्ट बना रहा था क्या करेगा लाइफ में, उसका जिंदगी खत्म हो गई, उसका जिंदगी खत्म हो गया, लाइफ में क्या करेगा, उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। Bro, I love this comedian man. He's such a कितने unique setups हैं, कितने unique jokes हैं, brilliant. मैं नेट जियो पे देख रहा था, एक सांप है वो अपनी ही फैमिली को खा जाता है, उसका फैमिली के अंदर ही कंफर्ट जोन नहीं है, ऐसे बैठा है ना और भूख लग रहा है उसको और सामने एक टेस्टी चूहा जा रहा है और बगल में भतीजा सो रहा है। Wait, what happened? कौन पकड़े चूहे को, यही डिनर कर रहा है। उसकी फैमिली में शायरियां कैसी चलती होंगी, हमें तो अपनों ने खाया, दिस इज वेयर इट्स फ्रॉम, गैरों में कहां दम था, मैं डाइजेस्ट होके जहां से निकला वो चाचा का बम था। जो बात है डिटो,
हम भी पहले वैसे जंगलों में ही रहा करते थे, है ना। पहले हमारा आर बिगेस्ट स्ट्रगल वॉज कि रात तक जिंदा कैसे रहना है। फिर ऐसा सिविलाइजेशन आया और फिर अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स ही चेंज हो गए। जो बात है हैशटैग मैनेजर सक्स हैशटैग मंडेज लोनली या हम मर जा रहे हैं यार, सुसाइड कर ले रहे हैं ये सोच के। और जो नहीं उभर रहा है वो ऐसा जा रहे हैं ऐसा सोलो ट्रैवल पे जा रहे हैं डिप्रेशन हटाने के लिए, श्री श्री रविशंकर के पास जा रहे हैं। मैं जब डिप्रेस होता हूँ मैं ये सब नहीं करता, मैं नेट जियो खोल लेता हूँ। उसमें जानवर लोग का स्ट्रगल देख के आई वाज लाइक कि आई कांट बी डिप्रेस मैन। उसमें शेर भी ऐसा बकरा खाते खाते कैमरे में देख के बोलते थे, देखो लड़की छोड़ गई भोसड़ी, चार दिन भटका हूँ तब जाके ये बकरा मिला, तेरे को सेक्स नहीं मिल रहा है तू हिला सकता है, मेरे पास पंजे हैं, तेरे को देख के एक बार ट्राई किया था, अभी सब छीला गया है, अब कुछ नहीं बचा। My name is Ketan, guys. That's been my time. What a brilliant comedian, man. दोस्तों, thank you for watching the video. और उससे भी बड़ा thanks पिछली वीडियो पे इतना जबरदस्त रिएक्शन देने के लिए, मतलब बिल्कुल मजा ही आ गया। देखो मुझे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और चक्कर क्या है ना कि आप जब पब्लिक डोमेन में वीडियो डालते हो तो आपके मन में थोड़ा सा रहता है कि 20-25 लोग तो ऐसे आएंगे होल्ड बी लाइक कि क्या ये इसको कॉमेडी कहते हैं, बिल्कुल मूड खराब हो गया। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए आपके कि भाई मजा आ गया, हंस हंस के पेट पड़ गया, और वीडियो डाल, तो मैंने डाल दिया। या ब्रो यू नो व्हाट, बिल्कुल सही डर था इसका ये, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इसके जोक्स बहुत यूनिक हैं, इसके जोक्स नए हैं, इसके सेटअप्स जो हैं वो पुरानी चीज़ों पे नहीं बने हुए कि जो सबको पता था कि ओ दिस इज़ फनी, ओ वाइफ मारेगी, ओ बच्चे तंग करते हैं, ओ बच्चों के पैसे खर्च करना, यू नो ओल्ड प्रेमिसेस, दीज आर न्यू प्रेमिसेस। बीरबल पे और कम्फर्ट जोन पे दीज आर न्यू प्रेमिसेस। बहुत अला मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा कॉमेडियन है ब्रो। What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb,